वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में शेपर के बाद हम मिलिंग मशीन में गियर कटिंग कैसे करते हैं यूजिंग फॉर्मिंग प्रिंसिपल वो देखेंगे। यदि गियर की हम लोग जो टीथ कट कर रहे हैं मिलिंग मशीन में कट करते हैं तो उसको क्या बोलता है, जनरली गियर मिलिंग कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक फॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये काम कर रहा है, क्लियर है, फॉर्मिंग प्रिंसिपल और जनरेटिंग प्रिंसिपल। तो फॉर्मिंग प्रिंसिपल में एक हम फॉर्म कटर लेते हैं। फॉर्म कटर कैसा होगा, जिसका जो एज रहेगी वो एग्जैक्टली रेप्लिका रहेगा, किसका, जो टूथ के बीच में जो गैप रहेगा उसका बिल्कुल सेम शेप का अपन लोग कटर लेंगे। क्योंकि अपन ने ये ब्लैंक लिया, ये अपना ब्लैंक था, इसमें अपने को इस वाले पोर्शन से पूरा क्या करना है, जो आउटर पेरिफेरी दिख रही है इसमें अपने को थोड़े थोड़े गैप में क्या करना है, टूथ के बीच में जो गैप होगा उस शेप का मटेरियल रिमूव कर देना है। तो जो टूथ के बीच का जो गैप होगा, जो जिस शेप का होगा उसी शेप का डिक्टो अपन लोग क्या लेंगे, कटर इस्तेमाल करेंगे, मिलिंग कटर, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्म कटर। ठीक है, उसके बाद किसी भी प्रकार के गियर्स जो है मिलिंग मशीन में अपन लोग बना सकते हैं, चाहे वो स्पर हो, हेलिकल हो, वेबल हो, ये सारे प्रकार के जो गियर्स हैं मिलिंग मशीन में अपन लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो मिलिंग कटर है, मान लीजिए मिलिंग कटर यहाँ पे काम कर लिया, अब मिलिंग कटर ये दोनों ये वाला स्पेस जो था रिमूव कर दिया, अब उसको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है, ये वाला स्पेस रिमूव करना है। ये वाला स्पेस रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को वर्क पीस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए अपने को जितने वो क्रिएट करने हैं, जितने अपने को क्या क्रिएट करने हैं, टीथ क्रिएट करने हैं, वर्क पीस को, सर्कुलर ब्लैंक को, उतने पार्ट्स में अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो टीथ ने इस गैप में कटिंग कर दी, अब टीथ को क्या करना है, इस वाले में कट करना है, तो उसको उस वाली पोजीशन में लाना पड़ेगा। टीथ को क्या, टीथ मिलिंग कटर अपनी जगह में रहेगा, अपन लोग क्या करेंगे ब्लैंक को घुमा देंगे। और ब्लैंक को कैसे घुमाएंगे, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में अपन ने ब्लैंक को घुमाया है, डिवाइड किया है, उसी हिसाब से, उसी के रेशियो के हिसाब से अपन लोग ब्लैंक को हल्का सा शिफ्ट करेंगे, जिससे अब क्या होगा, कटर ये वाले पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और फिर यहाँ पे कटिंग होना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पे कटिंग होना शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर घुमा देंगे तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कटिंग शुरू हो जाएगी। अब जो कटर लिए हैं, अपने को पहले से पता होना चाहिए कि कितने टीथ कट करने हैं, मतलब कितने टीथ बनाने हैं। तो मतलब जो ब्लैंक लिए हैं उसको पहले से इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वी स्पेस्ड पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे डिवाइड करेंगे, कितने टीथ अपने को बनाने हैं उतने पार्ट्स में अपन लोग कटर जो ब्लैंक रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 8 टीथ करने हैं तो उसको कटर को 8 पार्ट में अपन लोग डिवाइड कर देंगे। और ये जो डिवीजन होता है और ये जो मूवमेंट होता है यहां से लेकर यहां तक, ये किसके कारण होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म रहता है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के कारण जो रहता है, जो ब्लैंक है वो इक्वल नंबर पार्ट्स में इक्वली बिल्कुल एग्जैक्टली, अब ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिलिंग का जो प्री फॉर्म्ड ब्लैंक था वो तो ले लिया हमने, क्या किया अब उसमें कटिंग करनी भी शुरू कर दी, लेकिन हमने यदि प्री फॉर्म्ड ब्लैंक को इक्वली क्या किया, डिवाइड नहीं किया, थोड़ा सा भी, मान लीजिए डिवीजन इतना होना था, हमने हल्का सा इतना कर दिया, थोड़ा सा भी गैप आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो मतलब जो डिवीजन होता है ब्लैंक का इक्वल पार्ट्स में वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जब वो परफेक्ट होगा तभी अपना जो गियर टीथ कटेगा, जो प्रोफाइल कटेगी वो परफेक्ट होगी। और ये इक्वल डिवीजन, एकदम परफेक्टली इक्वल डिवीजन ब्लैंक में किसके द्वारा होता है, इंडेक्सिंग। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये इंडेक्सिंग, ये जो कि क्या करता है, ब्लैंक को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो अपने को पता है कितने कटिंग करनी है, टूथ ने यहाँ पे कटिंग किया, उसके बाद ये वाला पार्ट रोटेट होगा उतने ही एंगल से जितने एंगल में डिवाइड होगा, फिर यहाँ वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो इसको फिर वो कट करेगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा फिर कट करेगा, इस तरह से एक एक स्पेस जो रहेगा वो बारी बारी से कट होने लगेगा। अब जो मिलिंग कटर रहता है, मिलिंग जो रहता है दो प्रकार के रहते हैं, मिलिंग कटर एक डिस्क टाइप का कटर रहता है जिसमें इस तरह के उसके पेरिफेरी के अलोंग जो रहते हैं कट्स रहते हैं, इसको बोलेंगे क्या, डिस्क टाइप कटर, मतलब डिस्क के पेरिफेरी के अलोंग कटर है ये। कटर्स क्या है, बिल्कुल उसके शेप के अकॉर्डिंग होंगे। और दूसरा रहता है एक एंड मिल, एंड मिल में क्या रहता है,
जो एंड के अलोंग जो रहते हैं वो अपने को क्या रहते हैं, कटर जो क्रिएशन जो रहता है वो एंड के अलोंग रहता है। यहाँ पे एंड के अलोंग आपको क्या दिख रहा है, कटिंग, इसके अलोंग एंड के अलोंग कटिंग हो सकती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो फिगर ए है वो डिस्क टाइप का कटर इस्तेमाल किया जा रहा है और फिगर बी में एंड मिल टाइप का कटर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें जो प्रोडक्शन रेट रहता है वो क्या रहता है, लो। क्यों? क्योंकि अपने को एक बार में एक स्पेस कट होगा, फिर ये वाला इंडेक्स होके यहाँ पहुंचेगा तो फिर ये वाला कट होगा, फिर ये वाला यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला, इस तरह से बारी बारी से क्या होंगे, सारे स्पेस जो है वो कट होंगे। बारी बारी से स्पेस कट होने के कारण इसमें जो क्या होगा, प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। अब इसमें इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म बनाना भी थोड़ा सा, इंप्लीमेंट करना भी, वो भी एक टेढ़ा चीज है, ऐसे तो नहीं। तो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म मिलिंग मशीन में इंटीग्रल रहती है। इसका जो प्रोडक्शन रेट है, स्पीड जो है कटिंग की, वो कम है क्योंकि धीरे धीरे हल्की से पहले यहाँ पे कट करेगा, फीड बहुत कम रहता है, फिर धीरे धीरे पूरी डेप्थ तक कट पड़ रहा है, तो स्पीड जो कट की है वो भी कम है। एक्यूरेसी जो रहती है सरफेस फिनिश, वो भी मिलिंग कटर से जो अपने को अचीव होती है वो भी कम रहती है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने क्या किया, ब्लैंक डायमीटर अपने कैलकुलेट कर लिया, कितने साइज का अपने को ब्लैंक चाहिए। अब उसके हिसाब से हमने क्या किया, कटर चूज कर लिया। अब कटर भी जो रहते हैं वो बहुत तरह के शेप रहते हैं। कटर मान लीजिए ब्लैंक, किसी पर्टिकुलर ब्लैंक में कितने टीथ कट करने हैं, किस मॉड्यूल के टीथ कट करने हैं, इसके सबके लिए शेप तो सही रहेगा, लेकिन कितने टीथ करने हैं, किस मॉड्यूल के करने हैं, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो सेम शेप के सेम फॉर्म कटर्स अपने को अलग अलग सेट में मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे जिस भी मॉड्यूल का, जिस भी प्रेशर का अपने को टीथ कट करना है, उससे उस वाला फॉर्म कटर उस सेट का इस्तेमाल करके इस्तेमाल कर ले। मतलब बहुत सारे फॉर्म कटर्स का सेट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी इन्वेंटरी अपने को मेंटेन करनी पड़ती है, तो इन्वेंटरी प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है। अब चलते हैं इसकी प्रोसेस की तरफ। इसमें क्या होता है, कटर को अपन लोग एक स्पिंडल में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। स्पिंडल क्या, अगर हॉरिजॉन्टल मिलिंग है तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगा, वर्टिकल मिलिंग है तो वर्टिकल स्पिंडल होगा। अब उस स्पिंडल में कटर क्या होगा, रोटेट होगा। अब कटर रोटेट हो रहा है, वर्क पीस का जो ब्लैंक है उसको अपन ने एक टेबल में फिक्स कर दिया। अब वर्क पीस को हमने फीड दिया, कटर के अलोंग जब फीड दिया, तो जब वर्क पीस कटर से कांटेक्ट में आएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या करेगा, यहाँ पे स्पेस कट कर देगा। जब यहाँ पे कटर ने स्पेस कट कर दिया तो वर्क इंडेक्सिंग हो जाएगा। इंडेक्सिंग होने के बाद वर्क पीस जो रहेगा, ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोजीशन इंडेक्सिंग के कारण मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। मूव करेगा तो फिर कटर जो है दूसरा स्पेस कट करेगा। इस तरह से कटर जो है बारी बारी से सारे स्पेस के बीच में कटिंग करेगा और अपना जो है प्रॉपर अपने को जो टीट्स है बुना के फाइनली जब लास्ट कटर कर लेगा, लास्ट स्पेस कट करेगा, तो फाइनल अपने को गेयर मिल जाएगा। ये एक मिलिंग कटर का अपने को मिलिंग मशीन का सिंपल सेटअप दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कटर है, वर्कपीस है, वर्कपीस में एक एक जगह वो जैसे वर्कपीस कटर की तरफ जाएगा तो वो पार्ट्स कट हो जाएगा, फिर वर्कपीस में इंडेक्सिंग होगी, कटर होने के बाद दूसरा स्पेस आएगा वहां पे कटिंग होगी, फिर तीसरा आएगा, उस तरह से सारे कटिंग हो जाएंगे। डिसएडवांटेज तो हमने देख लिए, लो एक्यूरेसी रहती है, उसके बाद स्पीड भी लो रहती है, इन्वेंट्री प्रॉब्लम रहती है, इंडेक्सिंग करना पड़ता है। उसके बाद एडवांटेजेस इसके देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है, सारे प्रकार के इसमें जो गियर्स हैं कट हो सकते हैं, हेलिकल, स्पर, वेवल, वॉर्म, सारे इसमें कट हो सकते हैं। रफिंग मशीन और फिनिशिंग ऑपरेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो कॉस्ट रहती है वो लो रहती है। यदि जनरेशन प्रिंसिपल से अपन लोग क्या करें, उसमें जनरेशन प्रिंसिपल में गियर को ही एक टूल बनाते हैं, और गियर क्या है, बहुत ही कॉस्टली है, उसको टूल बनाएंगे तो टूल क्या हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगी। लेकिन मिलिंग कटर में जो टूलिंग कॉस्ट रहती है, जो कॉस्ट रहती है कटर्स की, वो बहुत ही कम लो रहती है कंपेयर टू जनरेटिंग प्रिंसिपल के कटिंग के टूल के हिसाब से। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। आई होप गियर कैसे कट हो रहा है मिलिंग मशीन में फॉर्म प्रिंसिपल के द्वारा आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।